अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस एक साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, और क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ जब मेरे बच्चे सो जाते हैं या वो रिलैक्स होते हैं, तो मैं एक साथ अपने टॉपिक्स को जो मैंने मेंशन किया होता है, लिखा होता है, तो मैं एक साथ जो है टाइम निकाल के बैठती हूँ और पूरे वीक की वीडियोज़ ही ऐसे मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर वन बाय वन शेयर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लकीली आज मुझे वो टाइम मिला है, तो इसी वजह से मैंने प्रीवियस अभी काफ़ी वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं जो आप देखेंगे और जो मज़ीद आप बाद में भी देखेंगे, जो पहले देख चुके हैं और देखेंगे। ये बात इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि आप लोग ये खुदा ना खास्ता ऐसा ना सोच लें, वैसे इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ऐसा ना सोचें कि ये तो एक ही कपड़े पहन के आ जाती है, एक ही ड्रेस पहनती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक दिन में बहुत सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर मैं टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं उसे सेंड करती हूँ। एनीवेज लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो, और वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हुए, लेकिन मैं आज आपको डिस्कस करना चाहूँगी कि अक्सर औकात ये बना हुआ है, हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है, और वो ये है, हम ये सोचते हैं कि जो बीवियाँ हैं, जो वाइफ्स हैं, वो शौहर को गिफ्ट नहीं देती हैं। और हमेशा हमने ये एक उम्मीद लगाई होती है कि शायद सिर्फ एक आदमी, एक शौहर का ही काम है बीवी को गिफ्ट देना। लेकिन मैंने देखा है अक्सर कि अगर कोई बीवी किसी को, यानी वो एक्सपेक्ट करती रहे कि जो है उसका हस्बैंड उसको गिफ्ट देता रहे और उसको जो है मतलब हमेशा उससे अच्छी बातें करता, प्यार की बातें करता रहे, सारी चीज़ें करता रहे, लेकिन जहाँ बात बीवी की आती है तो फिर वो ये कह दे कि मेरे पास तो इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या मैं क्यों गिफ्ट दूँ, या शायद यहाँ तक सोच भी नहीं जाती। तो ये मिसकॉन्सेप्शन मैंने ज़्यादातर माशरे में देखी, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये शेयर करूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसे ही वाइफ भी हस्बैंड को गिफ्ट दे सकती है, इसमें कोई मायूब बात नहीं है और इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर आप के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम कहीं से भी अरेंज होता है, आपकी बेशक पॉकेट मनी से ही होता है, या अगर आप वर्किंग वूमेन हैं और अगर वंस इन अ ब्लू मून या एटलीस्ट मौक़ों पे आप उन्हें अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे दें, या बिना मौक़ों के भी दे दें, तो कहते हैं ना, सुन्नत भी है कि तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। बेशक छोटा सा ही हो, तोहफा खलूस से दिया जाना चाहिए, उसकी कोई कीमत नहीं होती, खलूस की कोई कीमत नहीं होती। कीमत जो है, आप ये ना देखें कि मुझे कोई एक्सपेंसिव या कोई ब्रांडेड चीज़ देनी है, कुछ भी दे सकते हैं, जो भी पसंद हो। कुछ ना सही तो आप कोई अच्छा सा खाना बना के डेकोरेट कर दें, या कोई अच्छी सी ऐसी डिश, या कुछ भी ऐसे सरप्राइजेस दें, गिफ्ट्स दें, या कुछ भी जो आपके हस्बैंड को पसंद है। आज वीडियो जो है सारी हस्बैंड की तरफ के लिए है, और आज मैं उनकी फेवर में हूँ, वो इसलिए कि ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है कि आप जो है ऐसी वीडियोस बनाती हैं जिसमें वाइफ्स को या उनको कोई मैसेज नहीं देती, तो आज वो सब की शिकायत एक जगह इकट्ठी हो गई। और मैं वैसे भी वाइफ्स को मैसेज दे रही हूँ, बिकॉज आई एम अ वाइफ एज़ वेल, कि जो तोहफे देने, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करें, या कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके हस्बैंड आपको काफ़ी टाइम से कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ नहीं दे पाए, मसरूफियात की वजह से, या किसी भी वजह से, या फाइनेंशियल, टेम्प्रेरी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, वट एवर, वट सो एवर, देर इज़ नो इशू, यू कैन जस्ट टेक अ स्टेप, यू कैन गिव अ गिफ्ट, यू कैन गिव सरप्राइजेस, इट विल जस्ट स्प्रेड द लव बिटवीन यू एंड योर स्पॉज। आई रियली वॉन्ट टू से आई एम क्लियर द मिसकॉन्सेप्शन। इसको मैंने मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में इस टॉपिक को रखा ही इसलिए था कि मैं इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना चाहती हूँ कि वाइफ या बीवियाँ जो हैं वो शौहर को गिफ्ट नहीं दे सकती, या नहीं देना चाहिए, या कहाँ से देंगी, या उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगी। तो ये भी तो होता है, अगर आपके कोई ख़ानदान में या कहीं भी किसी की बर्थडे या कुछ आ जाए, तब भी तो आप कहीं से अरेंज करती होंगी ना उन्हें गिफ्ट देने के लिए। और अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप वर्किंग वुमेन नहीं हैं, तो भी तो आप अपने हस्बैंड से ही कंसिडर करती होंगी, या पॉकेट मनी से लेती होंगी, कुछ तो करती होंगी, अरेंज करती होंगी। क्यों? क्योंकि आपका कंसर्न है, आपको देना है। तो मासूम बेचारे हस्बैंड्स ने क्या किया होता है? एटलीस्ट उनका भी हक है कि साल में उन्हें 3 से 4 बार एटलीस्ट कम से कम आप उन्हें सरप्राइजेस दें, गिफ्ट्स दें। और मैंने ये चीज़ सीखी, और मैं इस पर अक्सर अमल भी करती थी और करती हूँ, समटाइम्स काफ़ी गैप आ जाता है, लेकिन देना चाहिए। आप दें अपने हस्बैंड्स को भी गिफ्ट दें, और हस्बैंड को चाहिए कि वो भी वाइफ्स को गिफ्ट दें, लेकिन अपनी सतात, अपनी जो है
जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसे देख के, और ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल ही कोई गिफ्ट हो। इज्जत के, इज्जत देना, प्यार के दो बोल ही बोल लेना या और इम्पोर्टेंस फील करा देना, वो भी एक तोहफा। या खुलूस से कोई एक आप छोटा सा अपने हस्बैंड्स को कोई चॉकलेट दे दें, डेरी मिल्क की या कोई भी चॉकलेट दे दें छोटी सी, या फिर अपनी वाइफ के लिए कभी आप कोई गजरे या एक कोई फूल ही ले आएँ छोटा सा, तो वो भी आप खुलूस से भरा, मोहब्बत भरा एक गिफ्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा और आप इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन है जो अपनी कौन ऐसी वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देती हैं, और कौन कौन से हस्बैंड्स हैं जो अपने वाइफ्स को सरप्राइजेज एंड गिफ्ट्स देते रहते हैं। सो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और बताइए कि ये बात सही है कि नहीं, आप लोग इससे कितना एग्री करते हैं। सो इंशाल्लाह मैसेज ऑफ अवेयरनेस में इसी किस्म के बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस और मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि, और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आपने प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप उससे बेखबर ना हों बल्कि बाखबर हों और आप फ़ायदा उठा सकें। आप लोग भी मुझे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, जो भी टॉपिक रिक्वायर्ड हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि बनाऊं। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैसेज के साथ मिलती हूं। अभी बहुत सारे